प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा और जानते हैं बृहस्पतिवार को पूजन करने की विधि। बृहस्पतिवार को बृहस्पतिश्वर महादेव की पूजा की जाती है। इस दिन हमें पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले पुष्पों का ही उपयोग करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल का प्रयोग करना चाहिए तथा बृहस्पतिवार के दिन हमें नमक नहीं खाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले चंदन तथा पीले कपड़ों आदि का उपयोग करके भगवान बृहस्पति का पूजन तन मन से करना चाहिए। बृहस्पति भगवान के पूजन के बाद उनकी कथा को जरूर सुने। इस व्रत के करने से भगवान बृहस्पति जी प्रसन्न होते हैं और हमें धन और विद्या का दान देते हैं। खास करके स्त्रियों के लिए यह व्रत अति फलदायक होता है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। ये तो रही पूजन की विधि। चलिए अब उस कथा को सुनते हैं जिसके कहने से, सुनने से, सुनाने से सारे पापों का नाश होता है और भगवान बृहस्पति हमारे लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण अर्थात कंजूस थी। उसके दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता तो वह भिखारियों को कुछ नहीं देती। वह हमेशा अपने ही कामों में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके घर पे आए। उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर उन्होंने भिक्षा की मांग की। उस साहूकार की स्त्री उस समय अपने घर के आंगन को लीप रही थी। साहूकार की स्त्री ने बड़े ही कर्कश आवाज में उस साधु से कहा, साधु महाराज, मैं इस समय आपको कुछ भी नहीं दे सकती, आप किसी दूसरे समय आ जाना। इस समय मैं अपने घर का आंगन लीप रही हूं। साहूकार की पत्नी की इन बातों को सुनने के बाद वो महात्मा वापस चले गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद वही साधु महाराज दोबारा आए और उन्होंने उसी तरह भिक्षा की मांग की। साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खिला रही थी और उसने महाराज से विवशता भरे आवाज में कहा, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास अवकाश नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। वो महात्मा फिर से खाली हाथ लौट गए। कुछ दिनों के बाद जब महात्मा तीसरी बार आए और साहूकारनी ने उन्हें टालने की कोशिश की तो महात्मा ने साहूकारनी से एक बात कही। उन्होंने कहा, साहूकारनी, अगर तुम्हें अवकाश हो जाए तब क्या तुम मुझे भिक्षा देना पसंद करोगी? साहूकारनी ने कहा, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उसके बाद महात्मा ने कहा, साहूकारनी, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम बृहस्पतिवार के दिन दिन चढ़ने पे उठना, अपने सारे घर में झाड़ू लगाकर सारे कूड़े को एक कोने में इकट्ठा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहना कि वो हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने कतई मत रखना। ये तो रही दिन की बात। अब शाम के वक्त अंधेरा हो जाने के बाद दीपक जलाना तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करना, ना ही
किसी भी अन्य तरह के पीले चीजों का सेवन अपने खान पान में करना, ना ही कोई अन्य पीली वस्तु धारण करना। महात्मा ने कहा, साहूकारनी, यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उस साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पे उसके पूरे घर वाले उठे। साहूकारनी ने झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। घर के सभी पुरुषों ने हजामत बनवाई तथा भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह आने वाले सभी बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। कुछ समय बाद ऐसा समय भी आ गया कि उसके घर में खाने को दाना तक न रहा। कुछ दिनों के बाद वो महात्मा फिर से आए और उन्होंने भिक्षा की मांग की। परंतु उस सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, मैं आपको भला क्या दे सकती हूं। तब उस महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तुम तब भी कुछ नहीं देती थी, अब तो पूरा पूरा अवकाश है तुम फिर भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम आखिर चाहती क्या हो, मुझसे कहो। साधु की इन बातों को सुनने के बाद सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन्य धान्य हो जाएं। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत कतई न बनवाएं। जो भूखा है उसे अन्न दो, जो प्यासा है उसे जल दो। ठीक सायंकाल के वक्त दीपक जलाओ। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति अवश्य पूरी करेंगे। उस सेठानी ने महात्मा की बातों को मानकर ठीक वैसा ही किया जैसा महात्मा ने कहा था, और उसके घर में फिर से धन धान्य वैसे ही भर गया जैसा कि पहले था। भगवान बृहस्पति की असीम कृपा पाकर वह अनेक सुखों को भोगती हुई दीर्घ काल तक जीवित रही। भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति भगवान वहां पर आए तो सब के सब उनके सामने सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। हालांकि इंद्र हमेशा उनकी आदर किया करता था, मगर उस समय बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इंद्र ने कहा कि आज अनजाने में मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया। इंद्र ने कहा, मुझे यह वैभव, यह साम्राज्य सब गुरु जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही मिला है। अगर वो रुष्ट हो गए तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे अभी इसी वक्त उनके पास जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब भगवान बृहस्पति ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहां आ रहा है, तब वो क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र से मुलाकात करना उचित न समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति को अपने घर पर न देखा तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार मिला तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे। वो लोग
राक्षसों के हाथों बुरी तरह पिट रहे थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सारा वृतांत सुनाया और कहा, महाराज दैत्यों से किसी प्रकार हमारी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है गुरु बृहस्पति को क्रोधित करके। अब तुम्हारे कल्याण का बस एक ही मार्ग है। त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण संभव है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनित भाव से त्वष्टा से कहने लगे, हे महाराज आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनय कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्वकर्मा को युद्ध में जीत कर अपने इंद्रासन पर विराजमान हुए। विश्वरूपा के तीन मुख थे, एक मुख से वह मदिरा पीते थे, दूसरे मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकालकर पीते थे और तीसरे मुख से अन्नादि भोजन करते थे। कुछ दिनों के बाद इंद्र ने कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूं। जब विश्वकर्मा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वकर्मा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दी जाए तो अति उत्तम होगा। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम भी धीरे धीरे लेने लगे। इस कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोध में आकर विश्वरूपा के तीनों सिर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख से तीतर बना। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के एक वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के साथ वहां पर गए। उस समय ब्रह्म हत्या के चार भाग किए, उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया और यही कारण है कि कहीं धरती ऊंची, कहीं नीची और कहीं कहीं तो बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया जिससे उनमें गोंद बनकर बहता है, इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर भी जड़ फिर से फूट जाएगा। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं, और उन्हें संतान प्राप्ति का भी वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान दिया गया कि जल को जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सभी पाप बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट होते हैं।